अयोध्या में पर्यावरण पर खास ध्यान दिया जा रहा है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास कार्य जारी रहे और रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भी असुविधा ना हो, इसके लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनगरी में हरी झंडी दिखाकर इलेक्ट्रिक वाहनों को रवाना किया था और उसके बाद अब यूपी नेडा द्वारा राम भक्तों के लिए सरयू नदी की यात्रा के लिए सोलर से चलने वाली नाव शुरू की जाएगी, जहां पहली बार सोलर पावर इनबिल्ट ई बोट सर्विस शुरू होगी। इस सोलर बोट को पूरा कर लिया है और इसके टेस्टिंग फेज की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन कर सकते हैं। सनी बोट प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ने बताया कि यह बोट पूरी तरह से सोलर से चलेगी और इसमें 30 लोग बैठ सकते हैं। इस बोट में ना आवाज है और ना ही प्रदूषण होगा। बोट का खासियत ये बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है, इसका जीरो पोल्यूशन है। ये इसका जो सिस्टम है सोलर में चलेगा और इलेक्ट्रिक बैटरी का धारा सोलर इलेक्ट्रिक में चलने वाला बोट है ये। क्या कुछ खासियत है सर इसकी, बोट की क्या कुछ खासियत है, कब से ये शुरू होगा श्रद्धालुओं के लिए? ये अभी पहले इसका उद्घाटन होगा, उसका उद्घाटन होने के बाद बाकी पब्लिक के लिए ये बोट दिया जाएगा चलाने के, यात्रा करने के लिए। कितने लोग इसमें बैठ सकते हैं? इसमें 30 आदमी बैठ सकते हैं। क्या कुछ वजन होगा इसका? इसका वजन करीबन 4 टन वजन है। ये तो अभी दूसरा जो बोट आप सामने जो अभी जा रहे हैं उसको आवाज है, इसको बिल्कुल पोल्यूशन भी नहीं, साउंड भी नहीं है, बिल्कुल साइलेंट है ये बोट। और आगे चलकर हमने जो बसेस इलेक्ट्रिक में जो चल रहे सेम प्रोग्राम हम नदी के लिए, नदी का शुद्धिकरण के लिए ये प्रोग्राम अभी शुरू किया है गवर्नमेंट ने, तो इसी प्रकार से बाकी जिला में भी ये ऐसे बोट का प्रोग्राम बनाने का है करके गवर्नमेंट ने पहले भी बताया हुआ है। इसे सौर ऊर्जा से चार्ज करने के साथ ही विद्युत ऊर्जा के जरिए भी चलाया जा सकता है। इस नाव में एक बार में 30 लोग यात्रा कर सकेंगे तथा यह सरयू नदी में नया घाट से संचालित की जाएगी। श्रद्धालु इस नाव की मदद से सरयू नदी के किनारे स्थित विभिन्न ऐतिहासिक मंदिरों एवं धरोहरों का दर्शन कर सकेंगे।